राशन ऑफिस और अलग अलग जो वाइफ पे के लोग आए हैं, मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार हमारे शांतिनगर में इतने सारे अधिकारी एक साथ आए। इससे हम लोग को उम्मीद होती है कि ये इलाके में भी काम होगा। हमारे साथ किसी ने साहब है लक्ष्मण गायकवाड़ जी, शुक्रिया आपका आने का। दस दो हजार काली बनाई उनके लिए, उनके साथ पूरे अधिकारी है और हमारे राशन ऑफिस से भी आए हुए हैं, तोरण पावर से भी आए हुए हैं। लेकिन बेटा अगर हम अपना काम करने का तरीका भी बदलेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। आज 3 दिन से भगवान बन गए तोरण करे, आगे सर्जन करने जा रहे, छोटे केवल डालने गए, हम तोरे के इस पे मान नहीं डालेंगे। और मैडम टूटी है मुंसिपाली जाते अस्तर के पास जाते अहमदपुरा के जितने भी फॉल्ट के कंप्लेन है आज सिक्योरिटी अहमदपुरा में लगे हुए हैं। जितने भी फॉल्ट है एक दो इसके एमएलए आने के बाद लोगों का कहना है कि अभी आए हुए हमारे शेड्यूल था आज दुरुस्त है। एक बात है, यहाँ की खुदाई होती है कोविड के लिए, वो इंजीनियर ने ठीक देखना कि वो ठीक से ठीक हो रहा है। अगर जो घटना था उसे भरा जाए ठीक की रिक्वेस्ट है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने किया शांतिनगर का दौरा। शांतिनगर के रहमतपुरा हॉल में आमदार आपके द्वार के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आमदार रईस शेख ने अपने पूरे एमएलए ऑफिस को एक दिन के लिए इस हॉल में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने हर डिपार्टमेंट से हर एक ऑफिसर को यहाँ पर बुलाया और जनता की सारी समस्याओं को उनके सामने रखा और उन्हीं से उनका जवाब मांगा। अभी तक बता रहा हूँ मैं, किसी ने गड्ढा बनवाया नहीं, ना कोई गली बनवाया है। अगर कोई गड्ढा साफ करने जाता है आधे में भाग जाता है, आधे में छोड़ जाता है। तो ये आप लोग के लिए निजाम, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इसका काम करवाइए। मेरे को यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कामगारों का संघर्ष हो 14 आदमी है यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन दूसरे के 3 कामगार अपडेट है, 3 साल का अपडेट है। इसके बारे में हम क्या किए हैं कि रोटी बजे हमें कामगार के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है कि कामगार मिलेगी क्या। जैसे जितने कामगार है उन्हें से काम चलाते हैं और ऐसा नहीं है कि कामगार होता होता रोज काम होता है। प्रभाग अधिकारी से कहूंगा कि जो भी कामगार की कमतरता है, यानी पॉपुलेशन कितनी है, रिकॉर्ड पे आपके आपको मालूम है कितनी है, आप संख्या लीजिए। संख्या यहाँ पे पॉपुलेशन की 90,000 है, 90,000 81,000 शांति नगर में 81,000 लोगों के लिए कितने लोग हैं, 14। ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है।
इनकी ये भी पेनल्टी करता है तीन परीक्षा की सुनना की और इसकी परीक्षा में है कि ये कम आदमी है कि हम कमीशन से बात करेंगे ठीक है लेकिन साफ सफाई में आता ईमान है कि नहीं बिल्कुल सही बात मुस्लिम बस्ती में आते ही ना आदमी धर्मा जी के मुसलमान की बस्ती में आए आप लोग भी अहद करो आधा करना तो हम लोग खुद डालते हैं है ना बोलते बोलो आके ना ये जिंदगी में सफाई रहेगा और हम सब जिंदगी में ऐसा चलेगा क्या हम तो कुछ भी कुछ कोशिश करोगे कि नहीं अगर साफ रहेगा तो बीमारी कम होगी इसका काम कम होगा इसके बारे में सोचो है ना ठीक है थैंक यू जो मसाइल है आप देख रहे एक बार जो मसला पेश किया जा चुका है इसको दोबारा पेश ना करें एक ही मोड़ना एक ही बार बार ना कीजिए दूसरों को मौका दिया जाए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में शांति नगर की आवाम ने आमदार हरीश शेख के सामने अपनी समस्याओं को रखा किसी को पानी की प्रॉब्लम है किसी को गटर की प्रॉब्लम है तो किसी को राशन नहीं मिल रहा तो किसी को टोरेंट पावर से प्रॉब्लम है इन सारी समस्याओं के ऊपर बातचीत हुई और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आमदार साहब ने कोविड के लिए हम लोगों की बहुत मदद की है पूरे भिवंडी में जहाँ पेशेंट्स को भिवंडी और भिवंडी के बाहर जहाँ जगह नहीं मिलती थी हर एक पेशेंट के लिए रईस भाई और उनकी टीम ने हमारा बहुत साथ दिया तो वेरी वेरी थैंक यू इतने कंसर्न आमदार शायद भिवंडी को पहली बार मिले सर थैंक यू वेरी मच और मैं आपसे और सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि ये संडे को पल्स पोलियो है जैसे कि आपको बताया पोलियो अब दुनिया से एलिमिनेट हुआ सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के और क्योंकि ये हमारे मित्र देश है बाजू में तो वहाँ से कभी भी हमारे देश में ये बीमारी आ सकती है तो ये संडे को कोई इंतजार ना करे कि कोई हमारे घर पे आए ये हमारा अपना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के दूध पे लेके जाए और वो दवा पिलाए दूसरी बात हमारे शांति नगर के लिए डीवीएस मदरसे में कोविड का वैक्सीनेशन शुरू है तो कोविड वैक्सीनेशन जहाँ सबको पता होना चाहिए कि सऊदी की कंट्री भी अब हज के लिए जो भी यात्री होंगे उनके लिए वो इंजेक्शन कंपलसरी किया है और साथ में यहाँ मदरसे के लोग हमारे साथ हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप उसका फायदा जरूर उठाएं अगर ये हॉल शादी हॉल अगर अच्छी तरह से बना होता तो हम कोविड का एक और सेंटर यहाँ पर भी बनाना चाहते तो अगर रईस भाई ने अगर इसको अच्छे से बनाए जल्द से जल्द तो हम यहाँ पर भी कोविड का वैक्सीनेशन चालू करते क्योंकि हमारे पूरे सकार नाके से लेकर फाइव माइल तक सिर्फ दो ही सेंटर है एक प्रशांत नगर की उस तरफ की ऑफिस में और दूसरा अपना दीनियत का तो बहुत दिक्कत हो रही है बहुत भीड़ हो रही है बहुत लोगों को वापस भी जाना पड़ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बाहर के लोग ज़्यादा थे तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे लोग कम ले रहे हैं बाहर के लोग ज़्यादा हमारे लोग गरीब हैं कोविड अगर हो गए तो पैसा नहीं है लोगों के पास तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करूँ और दूसरी बात तो हमारा गवर्नर है सर आई रिक्वेस्ट कि आप जाते जाते गवर्नर देखिए गवर्नर में जगह नहीं है मेरे लेडीज पेशेंट बहुत ज़्यादा है उनको बाहर खड़ा रहना पड़ता है तो आई रिक्वेस्ट कि अगर बाजू में स्कूल का एक रूम मुझे मिल जाए तो कम से कम मेरी जो बहनें वहाँ पर अच्छी है उनको बैठने की जगह मिले थैंक यू सर देखिए दवा खाने की बात इन्होंने की शांति नगर में इंशाल्लाह एक नया डिस्पेंसरी जल्दी पास हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा मैंने तब तक सरकार से कहा कि
मैं एक बैन देने को तैयार हूँ जो गली गली जा सकती है, अभी वो भी प्रपोजल है। लेकिन शांति नगर को दूसरी डिस्पेंसरी एक डेढ़ साल में अपनी तैयार होकर मिल जाएगी, तो तब तक मैं विजिट भी करूँगा। और याद रखिए, सरकारी दवाखाने में दवा लीजिए, मैं उसका क्यों मेरे को देता हूँ कि सरकारी दवाखाने में MBBS डॉक्टर होता है। आप MBBS हैं, आपको मालूम है पूरे यूनिटी में बहुत कम MBBS डॉक्टर है, लेकिन सरकार आपके दरवाजे पे MBBS डॉक्टर को भेजती है। ये बहन हमारे लिए समझ में बहुत बड़ा जरिया है, इनसे दवा लीजिए। और अंशा था जिसे आपने कहा, शांतिनगर को बहुत जरूरत है, हमने सरकार से बात की है, आने वाले एक डेढ़ साल में आपको नया हॉस्पिटल की जरूरत है। सर आप जो इंस्पेक्टर एजुकेटेड फॉर आस, मैं आपको बताना चाहूँगी शांतिनगर बाजू का गायत्री नगर जो है सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी और सबसे ज़्यादा डिलीवरी में औरत का और बच्चे का मौत होना हमारे इलाके में ज़्यादा है, और इसकी वजह है घर पे डिलीवरी होना। इंदिरा हॉस्पिटल के इतने पास के होने के बावजूद यहाँ के लोग खुद से घर पे या गाय के पास डिलीवरी करना पसंद करते हैं, ये गलत है। अगर सर कहेंगे तो शांतिनगर जो दवाखाना है वहाँ जगह बढ़ेगी, तो शांतिनगर एक डिलीवरी सेंटर बन सकता है। मेरी बहने कहती है कि आप भी लोग तो सुनते नहीं है, आप लोग सुनो, 16 कट्टे डिलीवरी जो है घर में हो रही है, 16 कट्टे। और जब आप बिगड़ जाती है अस्पताल जाते हैं, मैं रईस आपका भाई खड़ा हूँ, इंदिरा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंदिरा में ही जाइए, उसके बाद हम लोग क्या आपका ख्याल रखेंगे। तो मैं नहीं चाहता शांतिनगर और गायत्री नगर में आप तो एक भी और डिलीवरी के प्रॉब्लम हो तो मैं तकलीफ हूँ, और अगर आप इंदिरा में जाके डिलीवरी होती है और आपका दो ही बच्चे हैं तो आपको 800 रुपया सरकार देती है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर के लिए। अभी इस जनता दरबार में हर डिपार्टमेंट से लोग मौजूद थे, डॉक्टर्स, महानगर पालिका के लोग, राशन ऑफिस से और टोरेंट पावर से। इन सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने शांतिनगर की आवाम की समस्याओं को सुना और उनको जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो वादे किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स, बहुत बहुत शुक्रिया।